हेलो मैकेनिक दोस्तों, आज मेरे पास है बजाज पल्सर 125 BS6 इलेक्ट्रिक कार्बोरेटर वाली वेरिएंट है। गाड़ी का पेंडिंग समय काफ़ी समय से गाड़ी रखी हुई थी, इसका जो कस्टमर कहीं और एक गैराज से मेरे पास लेकर आए हैं, इसलिए लेकर आए क्योंकि इसके जो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी वहां पे नहीं बताया गया है। और कंडीशन अगर देखें तो यहाँ और इसके व्हील वगैरह में भी अगर दिखाया जाए तो इससे ये प्रूफ चलता है कि हमारी गाड़ी काफ़ी समय से लॉन्ग टाइम से खड़ी हुई थी। अब खड़ी होने का मेन जो रीज़न है, इसके अंदर करंट का प्रॉब्लम है। अब करंट का प्रॉब्लम है, कैसे सल्यूशन निकालना है, चेक करने का क्या सटीक तरीका है, कैसे हम मैग्नेट साइड से ECU तक, ECU से किल स्विच तक, किल स्विच से इग्निशन तक और RR यूनिट तक कंप्लीट फाइंड आउट करेंगे कि क्यों आखिर इतने समय तक गाड़ी क्यों खड़ी है और इसमें करंट का प्रॉब्लम आया तो उसका कैसे सल्यूशन निकालेंगे। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, एंड तक बने रहिएगा। और अभी आपके सामने लाइव हम फाइंड आउट करके बताएंगे कि पिकअप कॉइल में प्रॉब्लम है या HT कॉइल खराब हुआ है या ECU खराब हुआ है या फिर कहीं है वायरिंग हार्नेस में प्रॉब्लम जो इतनी समय से गाड़ी खड़ी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं और आपको एक एक स्टेप बताते हैं कि करंट को कैसे चेक किया जाता है। तो मैकेनिक भाइयों, सबसे पहले आपको देते चलते हैं प्रूफ। तो यहाँ पे अगर देखें तो O2 सेंसर लगा हुआ है, यहाँ पे इसका TPS सेंसर लगा हुआ है और इस जगह पे इसकी इलेक्ट्रिक कार्बोरेटर लगी हुई है। और यहाँ पे अगर सबसे पहले इसके इग्निशन को ऑन कर दिया जाए तो प्रॉपर तरीके से सारा चीज़ वर्किंग है। कुछ इसके पार्ट्स मैंने ओपन कर लिया ताकि वायरिंग हार्नेस को भी अच्छी तरह से चेक कर लिया जाए कि गाड़ी में करंट का प्रॉब्लम क्यों है। अभी देखें, इसका इग्निशन ऑन करने के बाद चेक इंजन लाइट नहीं जला। अब जैसे इसके किल स्विच को प्रेस करेंगे उसके बाद यहाँ पे जो चेक इंजन लाइट जलना चाहिए उसके बाद इसके इलेक्ट्रिक कार्बोरेटर में कुछ साउंड होना चाहिए, वो यहाँ पे डिटेक्ट नहीं हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले इस किल स्विच को डायरेक्ट करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बजाज की गाड़ियों में ये देखा गया या फिर कोई सी भी गाड़ी में अगर किल स्विच प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा तो उस कंडीशन में हमारी गाड़ी करंट की सप्लाई नहीं करेगी। अब चलिए आपको बताते हैं किल स्विच का कौन सा वायर है, कैसे उसे डायरेक्ट करना है, इनपुट कौन सा है, आउटपुट कौन सा है। तो जैसे इसके राइट हैंड साइड के कपलर के इस तरह से सारे गुच्छे को निकालिएगा तो यहाँ पे एक आपको व्हाइट कलर का कपलर देखने को मिलेगा। तो ये जो व्हाइट कलर का कपलर है इसके किल स्विच के लिए वर्क करता है। कैसे वर्क करता है वो भी आपको बताते चलें। तो यहाँ पे एक जो ब्राउन प्लस ब्लू कलर का वायर है इसके अंदर 12 वोल्ट की सप्लाई आती है और 12 वोल्ट की सप्लाई आके इसके किल स्विच में करंट स्टोर रहता है। और जैसे किल स्विच को प्रेस करते हो तो यहाँ पे जो ग्रे प्लस रेड कलर का है वो डायरेक्ट इसके ECM को सिग्नल भेजता है कि आपके किल स्विच को ऑन कर लिया गया है, अब अपने सेंसर को एक्टिवेट कर दीजिए वर्किंग के लिए। चलिए वो भी आपको हम दिखा देते हैं कहाँ पे आता है वायर इसके आउटपुट के लिए। तो ये इसका ECM है और ECM में अगर यहाँ पे देखें तो ये ग्रे कलर का वायर लगाया गया है। अब पता नहीं मैकेनिक भाइयों क्यों रिजेक्ट होकर गाड़ी को बनाने से इनकार कर देते हैं, अभी आपके साथ लाइव प्रूफ दिखाएंगे, अभी तक प्रॉब्लम तक पहुंचे नहीं है। कहां से प्रॉब्लम है, अगर स्टेप को यूज करेंगे तो 100% प्रॉब्लम तक पहुंचेंगे। अब देखिए इनपुट तो आया ब्राउन कलर वाले वायर में, अब आउटपुट कौन से वायर में आया, ग्रे प्लस रेड कलर वायर में किल स्विच से। तो चलिए किल स्विच का भी हम रिपेयर नहीं करेंगे, कंप्लीट उसको करते हैं डायरेक्ट ताकि पता चल सके कि हमारा किल स्विच सही है या खराब है। तो चलिए किल स्विच को डायरेक्ट कर लेते हैं ताकि इसके अंदर सिग्नल आ सके। तो इसके कपलर को कर चुके हैं यहां से अलग और इस जगह पे देखें इस तरह से दो वायर का टुकड़ा लेना है और जब इसको हम आपस में डायरेक्ट करेंगे तो इसके अंदर किल स्विच का लाइट, ये देखिए किल स्विच का लाइट आ रहा है और इसके कार्बोरेटर से भी साउंड क्रिएट हो रहा है। तो चलिए इसको परफेक्ट तरीके से होल्ड कर लेते हैं, फिर आपको डायरेक्ट करंट चेक कराते हैं कि किल स्विच की खराबी तो नहीं है, जो मैकेनिक परेशान हो जाते हैं और प्रॉब्लम यहां रहता है कुछ। तो चलिए इसको हम यहां से डायरेक्ट कर लेते हैं अच्छे तरीके से, फिर आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए परफेक्ट तरीके से डायरेक्ट हो गया। अब मीटर में अगर यहां पे दिखाया जाए मैकेनिक भाइयों तो किल स्विच का या ये जो डायरेक्ट होने के बाद चेक इंजन लाइट प्रॉपर तरीके से जलना शुरू हो गया। अब चलिए दोनों प्लग अडाप्टर को ओपन करते हैं और डायरेक्ट गाड़ी का करंट चेक करते हैं। ये देखिए काफी समय से खड़ी थी। अब इसके प्लग अडाप्टर को ओपन कर दिए, अब देख लेते हैं हम खुद से अपने से कि करंट इसके अंदर क्यों नहीं आ रहा है। तो इसके राइट हैंड साइड में स्पार्किंग को अच्छी तरह से चेक करें क्योंकि करंट आ भी सकता है और आपको शॉर्ट होने के ज्यादा चांसेस बढ़ सकते हैं। दोस्तों इसके राइट हैंड वाले अडाप्टर में करंट नहीं है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड के अडाप्टर में दिखाते हैं कि उसके अंदर भी करंट है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड का प्लग का भी स्टिकर तक नहीं गया, यहाँ पे देखिए राइट हैंड लिखा हुआ है। अब लेफ्ट हैंड साइड का देख लेते हैं, तो यहाँ आपको करंट देखना है इस साइड वाले में।
तो जी नहीं मैकेनिक दोस्तों, सिंगल हैंडेड है, थोड़ा सा टफ है, बट अभी तक प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा है। तो ये देखिए, इसके दोनों अडाप्टर को चेक करनी है, प्रॉब्लम दोनों के दोनों अडाप्टर में करंट नहीं है। अब यहाँ पे जो पता चलता है, अगर आपको इस जगह पे दिखा दे, तो इसका इस जगह पे देखिए किल स्विच भी ऑन है, चेक इंजन लाइट जल रहा है, प्रॉपर तरीके से ये डिटेक्ट कर रहा है कि आपका वर्किंग प्रोसेस जो 12 वोल्ट से ECM का है वो प्रॉपर तरीके से सटीक काम कर रहा है। अब हमें क्या है कि स्टेप यूज करना पड़ेगा, मैग्नेट साइड से पिकअप कॉइल चेक करेंगे, RR यूनिट और इसके सेंसर और वायरिंग चेक करेंगे, क्योंकि इसका HT कॉइल और किल स्विच को जो मैंने डायरेक्ट किया था वो प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गया। किल स्विच भी खराब है क्योंकि उसको डायरेक्ट करने के बाद ही काम कर रहा है, तो वो काम वहां से हो गया। अब चलिए इसके सारे स्टेप यूज करते हैं, पिकअप कॉइल का क्या रीडिंग है वो पहले देखते हैं। अब हम जो है बिना सेंसर को चेक किया, अब डायरेक्ट इसके कॉइल्स को हम चेक करना शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो दो येलो कलर का वायर आता है मैग्नेट साइड से डायरेक्ट लाइटिंग के लिए आता है, और अगर पिकअप कॉइल के लिए आप कंफ्यूज हैं कि ये पिकअप कॉइल का वायर है या ये पिकअप कॉइल का वायर है या ये पिकअप कॉइल का वायर है, तो जी नहीं, यहाँ पे सिर्फ इसका लाइटिंग का और चार्जिंग का कॉइल का दो वायर आता है, और इसके पिकअप कॉइल का वायर इसका इस जगह पे चला जाता है आगे, तो वहां भी चेक करेंगे। बट उससे पहले ये हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि इसका लाइटिंग और चार्जिंग के रिलेटेड जो करंट निकलता है मैग्नेट साइड से वो प्रॉपर है या नहीं। कुछ नहीं करना है, नॉर्मल सिर्फ आपको एक हैलोजन बल्ब लेना है, हैलोजन बल्ब का इस जगह पे दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव लगा देना है, गाड़ी का किक अप्लाई करेंगे और लाइटिंग और चार्जिंग रिलेटेड करंट सप्लाई हो रहा होगा, यहाँ पे लैंप जलेगा, नहीं हो रहा होगा समझ लीजिए कहीं ना कहीं इशू है। तो चलिए किक का अप्लाई कर लेते हैं, और इसे जब चेक करें तो जरूरी है कि इग्निशन ऑन होना चाहिए, तो शायद आपको दिख रहा हूं मैकेनिक भाइयों, ये सटीक बता रहे हैं। जी हाँ, यानी मैग्नेट साइड से इसका सप्लाई सही है। अब मैग्नेट ही साइड है इसका पिकअप कॉइल, तो पिकअप कॉइल में करंट शो करेगा नहीं, तो चलिए उसको हम मल्टीमीटर से रीडिंग चेक करते हैं। अब यहां से दो, एक ब्लू प्लस व्हाइट और ब्लू प्लस व्हाइट, ये दोनों लाइटिंग और चार्जिंग के लिए RR यूनिट के पास जाता है, वहां पे भी जाएंगे, पर उससे पहले पिकअप कॉइल चेक करते हैं। तो ये जो कपलर है ये इसका पिकअप कॉइल का है, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ज्यादातर आप मैकेनिक भाई देखते हैं कि पिकअप कॉइल में सिर्फ दो वायर होते हैं, तो यहाँ पे तीन वायर क्यों है, तो आपको बता दिया जाए ये जो तीन वायर हैं इसमें से एक जो ग्रीन कलर का है जिसमें व्हाइट पट्टी बना हुआ है, डायरेक्ट कहाँ चला गया, न्यूट्रल के लिए, न्यूट्रल का सिम्बॉल यहीं से जाता है, बाकी एक रेड प्लस व्हाइट कलर कहां जाता है, डायरेक्ट ECM के पास सिग्नल प्रोवाइड करता है कि कब कितना करंट का सप्लाई होना चाहिए, वो यहां से डिटेक्ट करके बताता है कि इसका मैग्नेट कॉइल का क्या रोटेशन है, कितने स्पीड पे मूव कर रहा है, वो डायरेक्ट पिकअप कॉइल के सिग्नल को भेजता है। और यहां पे एक ब्लैक प्लस येलो कलर का है जो जाता है लाइट कंट्रोल मॉड्यूल के पास। अब लाइट कंट्रोल मॉड्यूल कहां है, चलिए उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। तो ये देखिए, ये है इसका लाइट कंट्रोल मॉड्यूल, यहाँ पे अगर बैक साइड दिखाया जाए तो क्या लिखा हुआ है, लाइट कंट्रोल मॉड्यूल, पिकअप कॉइल से एक वायर यहाँ पे आया है ब्लैक प्लस येलो कलर। अब क्यों आया है, क्या है वर्किंग, जब हम वायरिंग डिटेल बनाएंगे वो वीडियो उस वक्त आपको बताएंगे। दूसरा वायर मैंने क्या बताया मैकेनिक भाइयों, रेड प्लस व्हाइट, तो ये देखिए व्हाइट प्लस रेड, ये सेम वायर कनेक्टिविटी में भी आप चेक कर सकते हैं कहां आया है, ECM के कपलर में। अब चलिए सारे कपलर लगा देते हैं और डायरेक्ट ये चेक करते हैं कि हमारा पिकअप कॉइल का क्या अभी ओहम पे क्या इसका रेजिस्टेंस दिखता है। तो चलिए इसके लिए हम मल्टीमीटर का उपयोग करते हैं, अब डायरेक्ट देखते हैं कि पिकअप कॉइल खराब है या सही है, प्रॉब्लम तक कैसे पहुंचना है देखिए सटीक। तो मैकेनिक दोस्तों देखें, यहाँ पे इसके मल्टीमीटर को होल्ड कर दिए हो, यहाँ पे आपको जो टेस्टिंग के लिए आपको बता दें DC वोल्टेज चेक करना है, DC वोल्टेज पे सेट करना है, वैसे भी मल्टीमीटर कैसे वर्क करता है कैसे चेक करना है उसके ऊपर बाद में बताएंगे ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। अभी हम चेक क्या करने हैं, पिकअप कॉइल, तो पिकअप कॉइल को चेक करना है तो इस जगह पे आपके अलग अलग मल्टीमीटर होते हैं, बट ये ओहम का साइन आपको बना देखने को मिलेगा बहुत सारे मल्टीमीटर में। तो ये जो ओहम का साइन बना होता है वहां पे आप 20 के या 2K या फिर 200 पे सेट कर सकते हैं। तो अभी हम इसके बजाज पल्सर 125 BS6 का वेरिएंट है, तो इसमें डिफरेंट तरीके से वर्क करता है, और इसका पिकअप कॉइल का रीडिंग यहां पे 2K ओहम पे सेट करके रखे हैं। अब इसके पिकअप कॉइल को चेक करने के लिए ये दोनों टर्मिनल को लगाते हैं, उससे पहले ये पता कर लेते हैं कि हमारा मल्टीमीटर सटीक तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। तो DC वोल्टेज पे सेट किए, और यहां पे अगर देखें तो देखिए बैटरी की सप्लाई एकदम प्रॉपर बता रही है, इससे ये प्रूफ चलता है कि मल्टीमीटर प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। अब यहां पे 2K पे लगा दिए हैं दोनों वायर को, दोनों आपस में वायर टच करेंगे, कौन से वायर में, येलो प्लस ब्लैक, व्हाइट प्लस रेड, ये दोनों वायर में चेक करेंगे तो क्या होगा कि हमारा सटीक इस जगह पे ब्लिंक करता हुआ दिखेगा। तो चलिए दोनों वायर को टच कर लेते हैं,
तो ये देखिए इसका पिकअप कॉइल का रीडिंग जो आ रहा है 373 आ रहा है, यानी रीडिंग जो है थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, बट बजाज की गाड़ियों में अगर 200 या फिर 300 है तो कोई इशू नहीं है, वो परफेक्टली तरीके से वर्क करता है। या फिर अगर कहा जाए तो BS6 का भी प्रॉपर तरीके से PDF अवेलेबल नहीं है, जिससे आपको हम ये शेयर कर सकें कि एग्जैक्ट पिकअप कॉइल का क्या रीडिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें 373 यानी 373 रीडिंग दिख रहा है। अब इससे ये प्रूफ चलता है कि हमारा पिकअप कॉइल सही है। अब क्या करना है कि हमें इसके आगे का प्रोसेस चेक करना है। तो मैंने जैसे चेक किया कि इसका लाइटिंग और चार्जिंग रिलेटेड करंट प्रॉपर तरीके से आ रहा है, अब यहां से जो करंट जाता है डायरेक्ट इसके RR यूनिट के पास जाता है। चलिए इसके RR यूनिट को चेक करते हैं, कहीं वो तो खराब नहीं है। तो मैकेनिक दोस्तों, ये इसका वायरिंग हार्नेस कनेक्शन है इसके RR यूनिट का, और यहाँ पे लगा है इसका RR यूनिट, ये इसका रेगुलेटर रेक्टिफायर है। तो चलिए सबसे पहले वायरिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो चार वायर हैं, जिसमें से दो इसके इनपुट के लिए जाता है और एक इसके आउटपुट के लिए जाता है, एक बॉडी अर्थ है। अब चलिए आपको हम दिखाते हैं कौन कौन से वायर में चेक करना है। तो इसके वायरिंग कपलर में सबसे पहले ये चेक करेंगे कि यहाँ तक इसके मैग्नेट साइड से करंट आ रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ तक करंट आएगा जब ही इसके रेक्टिफायर तक जाएगा। तो उसके लिए सेम स्टेप यूज करेंगे कि इसका RR यूनिट तक जो इसके वायरिंग हार्नेस आते हैं मैग्नेट साइड से, वो कहीं तो कटा नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे चार वायर आपको पहले बता चुके हैं, दो ये जो वायर है लाइटिंग के लिए और चार्जिंग के लिए वर्क करता है, और यहाँ पे ये जो एक है ये ग्रीन ब्लैक कलर का ये बॉडी अर्थ है, जस्ट इसके अपोजिट एक व्हाइट कलर का वायर है जो डायरेक्ट यहां से बैटरी चार्जिंग के लिए करंट जाता है। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि मैग्नेट साइड से यहां तक वोल्टेज आ रहा है या नहीं। तो उसके लिए फिर से हम किक का अप्लाई करेंगे ताकि वायरिंग कंफर्म हो सके। तो शायद हिल रहा है, करंट तो आना चाहिए अगर वायरिंग हार्नेस कट ना हो, और वायरिंग हार्नेस कट होगा तब तो आएगा ही नहीं। तो देख पा रहे हैं करंट प्रॉपर तरीके से आ रहा है इसके चार्जिंग के लिए, यानी नई गाड़ी है वैसे भी वायरिंग हार्नेस खराब हो नहीं सकता। अब यहाँ बॉडी अर्थ, तो बॉडी अर्थ तो हमारा सटीक है। अब ये चेक करना है कि यहाँ से जो चार्जिंग रिलेटेड करंट जाता है वो उसका वायरिंग तो कट नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये इसका कनेक्टिविटी का शाइन बना हुआ है जहां पे बीप बजता है, ये देखिए कनेक्टिविटी। अब क्या करेंगे, इस दोनों वायर को चेक करेंगे। देखिए सटीक तरीका, देखिए चेक करने का क्या है मैकेनिक भाइयों, कभी भी प्रॉब्लम आए किसी को आपका मोहताज नहीं होना, आप आसानी से प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हैं। अब देखिए वायर को कैसे चेक करना है, कनेक्टिविटी में लेके मल्टीमीटर को यहां रख दिए हैं। तो कनेक्टिविटी चेक करने के लिए सबसे पहले एक बैटरी का टर्मिनल यहाँ पे ले लेंगे इसके बैटरी के पॉजिटिव वायर में, क्योंकि चार्जिंग तो इसके पॉजिटिव वायर में आ रहा है यहाँ पे, और दूसरा वायर इसके RR यूनिट का जो चार्जिंग के लिए आ रहा है उस वायर में। ये देखिए तरीका, देखिए क्या है सटीक, इससे ये पता चल रहा है कि बीच में से वायरिंग का कहीं से कट है ही नहीं, चार्जिंग के रिलेटेड भी करंट प्रॉपर आ रहा है। अब गाड़ी में करंट आ क्यों नहीं रहा, स्टार्टिंग प्रॉब्लम क्यों कर रही है हमारी गाड़ी, वो फाइंड आउट करना है, वो अभी तक क्लियर हो नहीं पाया एग्जैक्ट प्रॉब्लम है कहां से। तो सारी चीजों को चेक करने के बाद ये फाइंड आउट हो रहा है कि इसके ECM तक तो इसका आउटपुट आ रहा है, बट इसके जो सॉरी इनपुट आ रहा है, बट इसके जो ECM से आउटपुट आना चाहिए इसके दोनों कॉइल में वो नहीं मिल पा रहा है। अब इसके आउटपुट को कैसे चेक करना, चलिए उसके बारे में बता देते हैं। अगर ये आप कन्फ्यूजन में है कि यहाँ पर डायरेक्ट 12 वोल्ट की सप्लाई आएगी, जी नहीं, ये जो वायर आपको दिख पा रहा होगा ये ब्लैक प्लस रेड कलर का, तो इसके अंदर टाइम टू टाइम स्पार्किंग होती है, क्योंकि देखे तो सिंगल कपलर सिर्फ इसके अंदर लगाया गया, एक यहाँ पे बॉडी अर्थ है, और इसके लेफ्ट हैंड साइड भी अगर दिखाया जाए तो यहां पे भी आपको एक सिंगल कपलर ही देखने को मिलेगा। तो इसमें करंट कब आता है, जब इसके ECM इसको डेटा प्रोवाइड करता है कि अब इसके करंट को सप्लाई किया जाए। कैसे, चलिए वो भी आपको हम दिखा देते हैं। इसके अंदर आपको ये चीज चेक करने के लिए टेस्टिंग लैंप का मदद लेना पड़ेगा। तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक पॉजिटिव वायर लेंगे, इस जगह पे इसके टर्मिनल पे लगा देंगे, और नेगेटिव वायर इसके बॉडी अर्थ से टच कर देंगे। अब इसको जैसे यहाँ पे टच करेंगे उसके बाद क्या है कि किक या सेल्फ का उपयोग करेंगे, तो इस लैंप को टाइम टू टाइम जलना चाहिए, यानी जब इसके मैग्नेट का रोटेशन हो, यानी पिकअप कॉइल ही डिसाइड करता है कि कब करंट का सप्लाई होना चाहिए। बट वो अगर जलता है तो समझ लीजिए कि हमारा सारा चीज प्रॉपर है, बट अगर नहीं जलता है तो उस कंडीशन में या तो पिकअप कॉइल करंट की सप्लाई नहीं दे रहा या फिर ECM सप्लाई नहीं दे रहा, दो चीजों का कारण हो सकता है। तो पिकअप कॉइल तो मैंने चेक कर ही लिया कि उससे प्रॉब्लम नहीं है, अब इसके ECM में प्रॉब्लम जाता है।
यही सेम स्टेप यूज करना है लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड जब नहीं आ रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड भी नहीं आएगा। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसके इस जगह से ईसीएम को ओपन करके दूसरा गाड़ी का ईसीएम डालते हैं ताकि फैन आउट कर सके। और अभी यहाँ पे आपको लाइव दिखाएंगे, लाइट जलेगा। अगर आपको ये पता करना हो कि एचटी कॉइल सही है या खराब, तो पहले सबसे पहले यही चेक कर लें कि हमारा हैलोजन बल्ब जल रहा है, यानी अगर हैलोजन बल्ब जला तो समझ लीजिए सही है, और नहीं जला तो समझ लीजिए कि खराब है। तो चलिए इसको हम ओपन करते हैं और डायरेक्ट इसके कंप्लीट ईसीएम को लगाते हैं। तो कपलर को ओपन कर दिया, डायरेक्ट इसके 10 एमएम के दो बोल्ट को ओपन कर लेते हैं। तो मैकेनिक दोस्तों, ये है इस गाड़ी का ओल्ड ईसीएम यानी ईसीयू, इंजन कंट्रोल यूनिट या इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट कह सकते हैं। और ये इसका नया है, यानी एक चेकिंग के लिए इसको लाए हैं। पार्ट नंबर इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब इसको लगा दिए हैं। अब आपको जिस चीज के बारे में बता रहे थे कि जब हम गाड़ी का सेल्फ या किक का उपयोग करेंगे तो ईसीएम अगर आउटपुट डेटा भेजेगा इसके एचटी कॉइल के पास तो टेस्टिंग लैंप जलेगा ही जलेगा। तो इसके लिए अभी आपको लाइव प्रूफ दिखा देते हैं कि कैसे जलेगा। अभी इसको बॉडी अर्थ एक दे दिए क्योंकि बॉडी अर्थ की आवश्यकता है। यहाँ पे टेस्टिंग लैंप है, उपरेले छोर में रखते हैं ताकि आप लोग को परफेक्ट सटीक दिख सके। अब क्या है कि गाड़ी का हम सेल्फ या किक का उपयोग करेंगे, उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे लैंप जलेगा, दिख रहा है लैंप जल रहा है। इसको सटीक बॉडी अर्थ नहीं मिल रहा, चलिए इसको एक परफेक्ट जगह पे होल्ड करते हैं, फिर आपको हम दिखाएंगे कि जैसे जैसे इसके पिकअप कॉइल सिग्नल प्रोवाइड करेगा हमारे एसीएम को, वैसे वैसे यहाँ पे लैंप ये जलना शुरू हो जाएगा। सिंगल हैंडेड थोड़ा सा टफ हो जाता है, चलिए कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखें परफेक्ट तरीके से लैंप जल रहा है, यानी ये पता चल जाता है कि इस जगह से करंट परफेक्ट है। अब यहाँ पे लगाते हैं ईसीएम, लगाने के बाद अब आपको करंट भी चेक करवा देते हैं। तो इस निचले भाग पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको करंट भी दिखेगा, करंट दिख गया। अब चलिए आपको राइट हैंड साइड का भी करंट दिखा देते हैं। तो यहां देखें इसके राइट हैंड साइड में, तो दोनों में करंट एकदम परफेक्टली तरीके से आने लगा। तो मैकेनिक भाइयों देखें, काफी मशक्कत के बाद मैंने पता कर लिया इसके ईसीएम में ही इशू है। और पार्ट्स की अवेलेबिलिटी की अगर बात किया जाए तो मैकेनिक का कहना था कि ये पार्ट्स उनके पास अवेलेबल नहीं था, और इसलिए उन्होंने ज्यादा टाइम इसके अंदर लिया और चेक भी प्रॉपर तरीके से नहीं करके डायरेक्ट मेरे पास गाड़ी डिलीवर कर दी। अब आपको तो चाहिए होगा प्रूफ कि इस वाले ईसीएम को आपने लगाया, करंट को चेक कर दिया। चलिए इस वाले ईसीएम में भी लगा के दिखाते हैं, करंट एकदम पूरी तरह से ब्लैंक हो जाएगा। तो चलिए कैमरे को होल्ड कर लेते हैं और उसके बाद ये कपलर ओपन करके इस वाले में लगाएंगे, करंट नहीं आएगा। तो ओल्ड वाले ईसीएम को लगा दिए, नजदीक से ले जाकर दिखाते हैं, कोई स्पार्किंग नहीं है। दोस्तों उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको सीखने लायक मिला हो, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिला हो कि जब भी BS6 के आपके पास गाड़ी जाती है तो घबराना नहीं है और बिना टाइम वेस्ट के सारे वायरिंग कपलर और स्टेप यूज करना है ताकि आप प्रॉब्लम तक पहुंच सकें और आसानी से प्रॉब्लम का शॉर्ट आउट निकाल सकें। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी सी टॉपिक लेकर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।